नमस्कार सबको, दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक एरर यूनिवर्सिटी के बारे में जो यार देहरादून के अंदर है और एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। तो यार इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और साथ के साथ यार काफी बच्चों ने ये बोला है कि भैया यूपीएस ग्राफिक एरर और क्वांटम यूनिवर्सिटीज में से क्या चूज करना चाहिए, उनके अंदर कंपैरिजन करके बता दो। तो यार अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो यार जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करके बता देना, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी यार लाल कलर के बटन को दबा दो, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा देना। हम बहुत ज्यादा क्लोज है 10,000 फैमिली को पूरा करने के, तो यार दबा के आप लोगों को शेयर करना सारे के सारे ग्रुप्स में फैला दिया करो, नहीं तो एटलीस्ट एक दोस्त को शेयर करना बनता है। और यार हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, काफी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है। और इस वीडियो के एंड में मैं एक कंक्लूजन और कंपैरिजन भी करके आप लोग को बताने वाला हूं, तो यार वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो यार इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर यार पूरा आपका कॉलेज कवर कर देंगे। तो यार जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पे आपका ग्राफिक एरर यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, देहरादून के अंदर है, ये इसका लोगो रहता है आपका। एस्टेब्लिश हुई थी 1993 में, तो यार आपकी बहुत ज्यादा नई यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई या एलपी हो गई, ये यार अभी रिसेंटली आपकी 10 12 15 साल पुरानी है, लेकिन ये वाली यूनिवर्सिटी आपकी 25 साल लगभग हो चुके हैं इसको। एंड यार रैंकिंग की बात करें तो 89 रैंकिंग है जो कि यार काफी अच्छी रैंकिंग मानी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम मोड्स ऑफ एडमिशन पे। मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करूं तो यहां पे आपके यार दो मोड्स ऑफ एडमिशन रहते हैं, आपका जेईई मेंस रहता है और 10+2 के मार्क्स रहते हैं। और यहां पे यार आपको इन्हीं के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, अगर आपके थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स होंगे 12th में या फिर आपकी जेईई मेंस पे परसेंटाइल अच्छी होती है तो उसके बेसिस पे आपको कुछ परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज पे बढ़े आपके कोर्सेज, तो कोर्सेज यहां पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल कोर्सेज है आपकी, सीएससी स्पेशलाइजेशन है बहुत सारी यहां पे देखे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर यार सीएससी आपकी कुछ स्पेशलाइजेशन आ गई, यहां पे डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपकी एक सीएससी की स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसी यार बहुत सारी यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। जिनको भी यार ब्रांचेस देखनी है वो यार स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ये हो गया हमारा कोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारा रहता है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके 2000 से लेके 3000 के आसपास स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं। आपका स्टूडेंट इनटेक बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरेटिव, आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, वीआईटी वगैरह भी होगी यार, उनसे काफी ज्यादा कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सीट मैट्रिक्स ये आपको बता दिया, कट ऑफ यहाँ पे कुछ रहने नहीं वाली है क्योंकि आपके बेसिक मोड्स ऑफ एडमिशन है जेईई मेंस और आपका 10+2, आपके यार जितने परसेंटाइल होते हैं उसके बेसिस पे मिल जाता है, बाकी स्कॉलरशिप डिपेंड करती है आपके कितने अच्छे मार्क्स होंगे यहाँ पे। तो ये होगी आपकी सीट मैट्रिक्स। इसके बाद जल्दी से हम बढ़ना चाहेंगे प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट आपकी सबसे ज्यादा मेन चीज रहती है, स्पेशली अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें रहती हैं वो यही रहती है यार, प्लेसमेंट कितनी जा रही है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिलने वाला है और यार कॉम्पिटिशन कितना देखने को मिलेगा, स्टूडेंट इनटेक कितना है, वो दो चार चीजें यार बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो यार सबसे पहले हम प्लेसमेंट में सबसे पहला पॉइंट देखें तो हाईएस्ट पैकेज गया आपका 54 एलपीए जो कि गूगल ने दिया था, जो कि यार बहुत ज्यादा आपकी बढ़िया बात है, लेकिन जो आपका ये पैकेज गया था वो गया था ऑफ कैंपस, क्योंकि गूगल यार आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत रेयर आती है, मोस्टली आपके आईआईटीज एनआईटीज में ही विजिट करती है। इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो गया था 43 एलपीए जो कि एडोब ने दिया था, ये मेरे को लग सकता है यार ऑन कैंपस होगा लेकिन गूगल का आई एम श्योर ऑफ कैंपस ही था, इसका यार स्टिल आई एम इन डाउट कि हाँ यार एडोब ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑन कैंपस पैकेज था ये। इसके बाद एवरेज पैकेज की बात करूं तो यार 4-4.5 एलपीए के आसपास रहता है, जैसे आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, चितकारा हो गया, यूपीएस हो गया, इनका भी यार इसी के अराउंड रहता है। और यार ये अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसका भी एवरेज पैकेज इसी के आसपास रहेगा। अगर सिर्फ यार सीएससी की बात करें तो वहां पर हम देख सकते हैं थोड़े हायर एंड पे आप लोग को मिल जाएगा 4.5 या 5 एलपीए तक, वहां पर आपका एवरेज पैकेज चला जा सकता है अगर आप सीएससी या सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस लेते हो। इसके बाद 90% ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये चीज बताई है कि यार 70-80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी मास रिक्रूटर कंपनीज में जाते हैं, वही सेम केस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और यार सिर्फ आपके 5-7% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यार टॉप के अच्छे पैकेजेस वगैरह लेकर जा पाते हैं, तो यार यहां पे भी वही सीन रहने वाला है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स वगैरह अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। इसके बाद 8+ पॉइंटर आपका सेफेस्ट रहता है सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, इतना ही रहता है यार, 8+ अगर आप रखोगे तो आप इजीली सारी कंपनीज
के कोडिंग राउंड में बैठ पाओगे। वैसे तो यार आपका 7+ भी काफी होता है, लेकिन काफी कंपनीज लिमिट कर देती हैं कि हम 100 स्टूडेंट्स को ही बैठने देंगे, तो यार फिर आपका सॉर्ट आउट किया जाता है सीजीपीए के ऊपर कि हाँ किन किन की सीजीपीए इससे ऊपर है, फिर यार उन्हीं को रखा जाता है। इसलिए जितनी अच्छी आप सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो उतनी रखनी चाहिए आप लोगों को। इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि यार अच्छी बात है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं करवाई जाती है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपनीज ही आती है जो इंटर्नशिप वगैरह देती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, आपका मेजर कंपनी कौन कौन सी यहाँ पे हायर करती है, तो एडोब, एमेजॉन, जैकलर, मेरे को पता नहीं है सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, टेराडाटा, आईबीएम, विप्रो, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एसेंचर, ये कुछ मेजर कंपनीज हैं जो यार काफी सारे स्टूडेंट्स भी लेके जाती हैं, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो काफी अच्छे पैकेजेस देती हैं। तो ये होगी यार आपकी इन शॉर्ट डिटेल में, अच्छे से मैंने बता दिया आप लोगों को कैसी प्लेसमेंट रहने वाली है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी यार, मेहनत आप लोगों की होने वाली है, अपॉर्चुनिटीज दे सकता है कॉलेज, लेकिन आपको ग्रैब आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को अपनी स्किल्स उनको दिखानी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट के बारे में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं यार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहला पॉइंट, स्प्रेड अक्रॉस 30 acres, जो कि यार इतना ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है आप लोगों का, ठीक ठाक सा कैंपस एरिया है। क्लास लैब्स, लाइब्रेरीज आपको स्पेशियस दिखेंगी, वेल मेंटेन्ड रहती हैं, तो यार ये सारी चीजें आपको काफी अच्छी मेंटेन दिखेंगी सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, जो कि काफी सही बात है, वाईफाई के रिगार्डिंग इतनी दिक्कत नहीं होती है। स्पोर्ट्स में अगर मैं बोलूं तो आप लोग को यार सारे स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साथ के साथ यार कुछ इंडोर गेम्स, चेस, कैरम हो गया, फिर आपका जिम भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यार काफी सही चीज है, आपको स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके बाद फैकल्टी की बात करूं तो फैकल्टी ठीक ठाक है, लेकिन यार बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा आप लोगों को, ऑलमोस्ट यार मतलब एवरेज टाइप की फैकल्टी बोलूंगा, लेकिन वही बात है यार कुछ फैकल्टीज आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे जिनसे आप गाइडेंस वगैरह ले सकते हो। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, लेकिन वही बात है यार बहुत ज्यादा नहीं होती है, अगर आप सही में कीन हो, इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, तो यार जरूर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इंक्यूबेशन सेंटर है जो यार प्रमोट करता है स्टार्टअप्स वगैरह को, बट यार वही उस लेवल पे नहीं किया जाता है जितना एनआईटीज, आईआईटीज या फिर आपके कुछ बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में किया जाता है। कैंटीन्स की बात करूं तो यार वो भी मिल जाएंगी, बट हाँ बहुत ज्यादा कैंटीन्स नहीं है, एक यार ऑप्शन रहेगा कि हाँ मेस में अच्छा नहीं लग रहा तो आप कैंटीन्स में आके खा सकते हो। इन सब चीजों के अलावा यार स्टेशनरी शॉप वगैरह मिल जाएगी आपको आसपास, ज़ेरॉक्स शॉप मिल जाएगी, हेल्थ सेंटर, एटीएम वगैरह भी यार आप लोगों को कैंपस के अंदर मिल जाएगा। तो यार काफी सारी आपको फैसिलिटीज इन्होंने अवेलेबल करवा रखी है, चाहे इनका कैंपस इतना बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को कैंपस के अंदर मिल जाती है। तो ये हो गया आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट चीज पे बढ़े आपका फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो फी स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखता है तो यार आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपके कितने परसेंटेज आते हैं 12th में, या फिर आपकी जेई में कितनी परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंटेड यहाँ पे इन्होंने फीस बता रखी है अच्छे से। सारी चीजें आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्कस नहीं करूंगा, बोरिंग पार्ट हो जाएगा। ऐसी यार सिमिलर हॉस्टल के भी यहाँ पे मैंने फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, डिपेंड करता है आप वन सीटर लेते हो, डबल शेयरिंग लेते हो, ट्रिपल शेयरिंग लेते हो, एसी लेते हो, नॉन एसी लेते हो, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से यार आपके चार्जेस रहेंगे। यहाँ पे आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट चीज आती है आप हॉस्टल, जो कि यार मेजर चीज बचती है, काफी सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में, तो यार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में जल्दी से। टोटल आपके 11 हॉस्टल से गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर बेड टेबल, चेयर, बुकशेल्फ वगैरह ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी सारे हॉस्टल में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिंगल, डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स मिलेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। एसी और नॉन एसी रूम्स रहेंगे, जो कि यार डिपेंड करता है आप लोग कौन सा चूज करते हो। मेजरली यार आप लोगों को फर्स्ट ईयर में डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम ही अवेलेबल हो पाते हैं, क्योंकि सारे जो आपके थर्ड फोर्थ ईयर वाले होते हैं वो यार सिंगल शेयरिंग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपकी वाईफाई फैसिलिटी काफी अच्छी आप लोगों को मिल जाएगी जैसे कैंपस में रहती है। कॉमन वॉशरूम वगैरह मिलेंगे जो कि यार मेंटेन होते हैं, क्लीन वगैरह किए जाते हैं डेली, तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेस फूड की बात करूं तो मेस फूड ओके ओके रहता है, बट वही यार रेगुलर खा खा के आप लोग बोर हो जाओगे, तो फिर आप लोग कैंटीन या फिर बाहर से ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिंपल हॉस्टल के बारे में, जो भी डिटेल थी थोड़ी बहुत यार मैंने आप लोग को बता दी है। अब यार कुछ चीजें जो रह गई है वो रहता है आपका फेस्ट, क्लब्स और साथ में अटेंडेंस। तो यार फेस्ट की यहाँ पे बात करूं, आपका जो सबसे मेन फेस्ट होता है ग्राफ फेस्ट होता है, जो कि एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है। काफी सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, काफी सारे लोग यार विजिट करते हैं, और यहाँ पे यार हार्डी संधू ने भी परफॉर्म कर रखा है, आई थिंक 2019 में
उन्होंने परफॉर्म किया था, तो यार काफी बढ़िया बात है, काफी सारे सेलिब्रिटीज ये लोग बुलाते हैं। क्लब्स की बात करूं तो यार यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, फोटोग्राफी क्लब, तो यार ये सारे क्लब्स हैं। इनके अलावा भी यार बहुत सारे क्लब्स हैं, लेकिन यार आप लोगों को जरूर जाना है इन क्लब्स के अंदर और पार्ट लेना है, आप लोगों को कोशिश करना है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो यार आप क्लब्स वगैरह में पार्ट लेके, सोसाइटीज में पार्ट लेके आप एक एक्सट्रोवर्ट बन सको, आपके कनेक्शन अच्छे बन सके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सके, तो यार ये सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए आपको खुद से एफर्ट मारना पड़ेगा। इसके बाद यार स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रहती है 75% जो कि आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा यार एक और पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, आप लोग को ड्रेस कोड रहता है यहाँ पे, जो कि यार आप लोग को ड्रेस वगैरह पहन के जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज रहेगी आप लोग के साथ। इसके बाद आ जाते हैं मेन चीज, आपकी कंक्लूजन और कंपैरिजन। तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे यार जिसको समझना मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इन दो पॉइंट से मेनली। इफ वी कंपेयर इट विद कॉलेजेस लाइक CU, LPU, चितकारा, UPS, देन इट कैन बी कंसीडर्ड डीसेंट कॉलेज। मैं ये नहीं बोल रहा इनसे बढ़िया है, लेकिन हाँ डीसेंट कॉलेज माना जा सकता है, एज द फीस इज नॉट सो हाई एंड द एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दीज कॉलेजेस। तो यार आप अगर LPU वगैरह की देखो हायर एंड पे फीस काफी ज्यादा रहती है, UPS की देखो तो उसकी फीस ज्यादा रहती है, लेकिन यार अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको 12th के बेसिस पे या फिर आप लोग को JEE मेंस के बेसिस पे ही काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी और एंड में आपका सिमिलर पैकेज लगता है जितना इन वाले कॉलेजेस में रहता है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बेटर आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद यार इफ यू कैन वर्क हार्ड एंड डेवलप योर स्किल्स देन यू कैन ग्रैब अ गुड अपॉर्चुनिटी एज अ स्टूडेंट। इनटेक इन दिस इज क्वाइट लेस हेयर कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पे कॉलेजेस मेंशन किए हैं, यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट इनटेक रहता है 4,000, 5,000, 6,000 इतना स्टूडेंट इनटेक रहता है, लेकिन यहाँ पे यार 2,000 से 3,000 रहने वाला है। तो अगर आप लोग के अंदर स्किल्स वगैरह रहेगा, टैलेंट रहेगा, तो यार आप लोग जरूर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। तो ये सिंपल सी सरल भाषा में मैंने कंपेयर भी कर दिया और एक कंक्लूजन भी आप लोग को दे दिया। कंक्लूजन तो क्या यार, वो टोटली आप लोग का कॉल रहेगा कि आप लोग को इसके अंदर जाना है या फिर किसी और कॉलेज में जाना है, वो टोटली आपके अंदर रहेगा, लेकिन मैंने यार एक आप लोग को सिंपल कंक्लूजन और कंपैरिजन बता दिया है। तो यार इस कॉलेज के बारे में इतना ही था, आपको हर एक चीज अच्छे से डिटेल में बता दी है, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे हॉस्टल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी चीजें अच्छे से बता दी है। तो यार अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया जरूर लाइक का बटन दबा देना, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और अगर UPS, क्वांटम और ग्राफिक एरा में एक डिफरेंस चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। कोई डाउट आता है तो भी यार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @SahilGauri, वहां पे जाकर मेरे को फॉलो कर लो, वहां पे जाकर मेरे को DM कर सकते हो। आप लोग थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता हूं तो यार आप लोग को जल्दी से जल्दी वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ के साथ यार हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, काफी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, वहां पे भी मैं आप लोग के रेगुलरली डाउट्स क्लियर करता रहता हूं, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। तो यार इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी बड़े इस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय।